आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर कपल पर यूनिट ट्विस्ट फॉर अ सॉलिड सिलेंडर और सिलेंड्रिकल वायर। तो आप समझेंगे सिलेंड्रिकल वायर किस तरह का होता है या फिर सॉलिड सिलेंडर क्या होता है। आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह का मैंने एक सिलेंडर बना रखा है। अब इस सिलेंडर को ऊपर वाले ए और बी जो एंड है और एक इसी का एंड ए प्राइम बी प्राइम है उसमें से ए बी को मैंने फिक्स कर रखा है और नीचे हम ट्विस्टिंग कपल अप्लाई करेंगे। नीचे हम घुमा के मरोड़ेंगे उसको, मतलब घुमाएंगे उसको एक तरफ इस तरफ घुमाएंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मैं छोटा सा एक किताब की हेल्प से आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो सिलेंडर बन गया हमारा, ये एक सिलेंडर है। अब देखिए ये सिलेंडर में बहुत सारे पेजेज हैं, तो आप पेजेज को क्या मान लें, सेल मान लें कि ये बहुत सारे सेल हैं इसके जिससे ये मिलकर बना हुआ है। तो हम यहाँ कंसिडर भी करेंगे कोई एक सेल को, बाद में इंटीग्रेट करके हम लोग पूरा सेल को निकाल लेंगे, मतलब पूरा होल सिलेंडर के बारे में निकाल लेंगे। तो आप समझेंगे पहले यहाँ से ये जो सिलेंड्रिकल है, अरे सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होगा नीचे, वो क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ बना रखा है फिगर टू में। आप देखेंगे कि यहाँ सी जो है वो फिक्स, मैंने पहले ही कह चुका कि ए और बी फिक्स है और ए प्राइम बी प्राइम वो मूवेबल है, मतलब फ्री है। तो ऊपर वाले फिक्स किए, ऊपर में सी पॉइंट वो भी फिक्स है। सी पॉइंट से अगर आप नीचे एकदम सीधा परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं जिसका मैंने पॉइंट पी नाम रखा हुआ है, उसके बाद इसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा घुमाते हैं आप, तो ये घूमेगा तो ये इस तरफ चला जाएगा। मैं पेंसिल ले लेता हूँ, ये इस तरफ घूमेगा अगर आप इस तरफ घुमाए हैं तो घूमेगा जैसे। तो सी तो अपना फिक्स रहा लेकिन पी का पोजीशन जो है वो चेंज हो गया है, पी का पोजीशन यहाँ तक चला आया। जब यहाँ तक चला आया तो ये सी से सी पी मिला रहे थे, अब सी से सी पी प्राइम को मिलाएंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम फाई है, इस तरह यूँ फाई। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ओ पी से, सॉरी ओ नहीं, ये ओ प्राइम है, आपको मैं बताना भूल गया कि ओ जो है वो सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आर होगा हम, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस भी आर ही होगा। आप देखेंगे कि ये ओ जो ये ओ है ये ओ प्राइम है, तो ओ से लेकर पी तक जो पहले था अब ओ प्राइम से पी प्राइम तक चला गया है। तब ओ प्राइम पी और ओ प्राइम पी प्राइम के बीच का जो एंगल है वो हमने थीटा मान रखा है, इस तरह से ये थीटा है। अब इसके बेसिस पे आपको जो पहले बताया जा चुका है या फिर आप पहले जान रहे होंगे इस चीज़ों को, या फिर नहीं जानेंगे तो मैं अपने लेक्चर में ये अपलोड ही नहीं किया अभी तक, मैं कर दूंगा और उसके बारे में भी आप समझेंगे। तो अब हम यहाँ से ट्विस्टिंग कपल को यहाँ से फाइंड करेंगे। अगर आपको इस आर को निकालना है, अगर पी पी प्राइम को आर को निकालना है, तो आप पहले से एक फॉर्मूला जान रहे होंगे, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है। तो ये इसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप देखना, आप देखिएगा यहाँ पर कि जो मैंने फिगर टू कंसिडर किया है फ्रॉम फिगर टू, तो फिगर टू कहने का मतलब ये जो मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है वो फिगर के हेल्प से मैं ये इक्वेशन को फाइंड करा है। फ्रॉम फिगर टू, इस फिगर से थीटा इज इक्वल टू पी पी प्राइम बाई एक्स, पी पी प्राइम मतलब पी से पी प्राइम तक यही मेरा आर्क है और ये रेडियस मेरा क्या है एक्स मैंने लिया है। मैंने अभी दिखाया था ना एक क्या कह रहे थे किताब की हेल्प से कि ये जो बहुत सारे सेल हैं हम ये पूरे सेल को नहीं लिए, यहाँ तो बहुत सारा पेजेस है ना, कोई एक पेज है उसका पेज का डिस्टेंस सेंटर से एक्स से पूरा रेडियस आर ही है, पर हमने ये सामने वाला लिया या फिर कोई एक लिया होगा पेजेज उसका रेडियस क्या होगा, वो तो आर नहीं होगा ना, ये आखिरी तक आर है, पर यहाँ तक का हम कुछ लेट किए हैं, वो लेट किए हैं एक्स, तो ये x है यहाँ आखिरी तक आ रहे हैं, मतलब हम ये कुछ सेल को लिए हैं x। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पी पी प्राइम बाई एक्स होगा क्योंकि फॉर्मूला ही होता है आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ से आप पी पी प्राइम को निकाल लेंगे, मतलब आर्क को निकाल लेंगे, तो ये थीटा और x मल्टीप्लाई होके ये इक्वेशन बनेगा आपका। उसी प्रकार आप फ्रॉम फिगर टू से देखेंगे, फिगर फ्रॉम टू तो हो गया, फ्रॉम फिगर वन से देखेंगे आप। फ्रॉम फिगर वन से देखने से आपको थोड़ा अंदाज बदलना पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा। तो ये जो देखने का तरीका है, आप ये सी को आप सेंटर मानेंगे और यहाँ से लेकर ये जो पी तक गया है उसको आप रेडियस मानेंगे। तो यहाँ सेंटर और रेडियस, ये तो रेडियस का लेंथ क्या होगा, जो इस सिलेंडर का लेंथ होगा, सिलेंडर का लेंथ क्या है एल है, तो ये रेडियस का भी लेंथ क्या होगा एल होगा, मतलब सी से पी तक का लेंथ जो है वो हमारा है एल।
तो ये रेडियस एल हो गया। अब देखिए यहाँ से ये इस तरह खिसक गया है, ये अब एंगुलर फॉर्म में पूरा अगर घुमाएंगे तो सर्कल बन जाएगा, तो आप ये छोटा सा आर्क बन गया इसके लिए। तो फिर हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो यहाँ पर थीटा की जगह फाई है तो यहाँ पर फाई रखेंगे, और आर की जगह पी पी प्राइम है तो पी पी प्राइम रखेंगे, रेडियस की जगह पर हम लोग एल रखेंगे क्योंकि हम तो सी से यहाँ तक का रेडियस ले रखे हैं, तो वही चीज़ को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम फिगर वन, फाई इक्वल टू पी पी प्राइम बाई एल। यहाँ से पी पी प्राइम का वैल्यू निकालेंगे तो आप फाई एल निकल करके आएगा। ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि पी पी प्राइम का भी वैल्यू वही यहाँ पर जो दे रखा है, वही पी पी प्राइम का वैल्यू यहाँ पर भी दे रखा है, तो आपस में दोनों इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हो गए तो नाउ करके हम लोग थीटा एक्स इज इक्वल टू एल फाई लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग फाई निकाल करके रखेंगे, थीटा एक्स बाई एल। ये फाई क्या है, ये स्ट्रेन है, फाई क्या है स्ट्रेन है, कैसे स्ट्रेन है, तो आप देखें कि ओरिजिनल लेंथ था और ऊपर में एक्स जो लेंथ है वो थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये मतलब इसको कह सकते हैं चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन होता है, ये आप जानते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगर हम लोग कॉफिशियंट ऑफ रिजिडिटी निकालें, इफ ईटा इज इक्वल टू कॉफिशियंट ऑफ रिजिडिटी, तो फॉर्मूला तो आपको मालूम है, ईटा इक्वल टू स्ट्रेस बाई शेयरिंग स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल से क्या बोलते हैं पॉइंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ओरिजिनल लेंथ को एल से, तो ये फॉर्मूला होता है, तो आप स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमको स्ट्रेस अगर फाइंड करें तो स्ट्रेस किस लिए फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमको फोर्स लगा है और फोर्स हम स्ट्रेस के हेल्प से ही निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हम स्ट्रेस को निकालना पसंद करेंगे या फिर चाहेंगे या जरूरत पड़ेगा। स्ट्रेस इक्वल टू जो होगा वो ईटा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ईटा इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा, और अभी हमने पिछले बार में ही डिस्कस किया कि शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हम लोग फाई का वैल्यू निकाले थे, तो ये जो मेरा शेयरिंग स्ट्रेन ये मेरा फाई के बराबर होगा, और ये फाई का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर, ईटा की जगह ईटा ही है, तो स्ट्रेस आपका ये निकल के आया, ये क्या हो गया स्ट्रेस, ये आप ध्यान रखेंगे आगे यूज होगा अभी। अब हम लोग फेस एरिया अगर निकालना चाहें, फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इस 2πx dx, तो आपको बता दूं इसको थोड़ा सा आप कंसर्न करेंगे कि इधर जो हमने दिखाया था ये, तो अगर ये पूरा एरिया निकालना है, ये जो यहाँ पर हमने डिजाइन दे रखा है या फिर अब पेंसिल से मैं कलर कर दे रहा हूँ, ये एरिया निकालना है, ये एरिया है क्या, तो आप बोलेंगे एक सेल का एरिया है, ये क्या है एक सेल का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और पूरा सिलेंडर का तो पूरा सिलेंडर का ही होगा फेस एरिया। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस एरिया निकालना चाहते हैं इस वाले का जो जिसपे ट्विस्टिंग कपल अप्लाई हो रहा है, तो इसका लेंथ क्या होगा, मैंने काटा इसको यूं, यहाँ से कैंच लिया और यहाँ से काट दिया, और यहाँ से काट करके मैंने यूं ऐसे बिछा दिया इसको ऐसे, और ये डिजाइन है इसी पर जो बना हुआ है वो, चलो आप समझने के लिए समझ लेंगे। तो यहाँ से अगर हम कट करें, ये था क्या, तो आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ होगा, ये तो पेरीमीटर हो जाएगा ना यहाँ, अगर ये सेंटर ले ले और हम बोलेंगे छोटो इसका पूरा लेंथ क्या होगा, तो आप बताएंगे सर पेरीमीटर निकाल लीजिए, लेंथ निकल जाएगा, तो पेरीमीटर निकाल ले, तो पेरीमीटर क्या 2πr होता है, यहाँ पर r की जगह x है, तो इसका लेंथ जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक होगा 2πx होगा, ठीक है, और यहाँ तक का छोटा सा जो इसका क्या थिकनेस बोल सकते हैं पेजेस का, वो हम dx मान लिए हैं dx, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा dx होगा, तो आप 2πx और dx, तो आप ये देख पा रहे हैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जब हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2πx इंटू dx, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर भी पीछे साइड भी यूज किए हुए, देखिए जो नाउ द फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πx इंटू dx, तो यही यूज होगा। तो फेस एरिया क्यों निकालें, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस में जरूरत पड़ने वाला था, कि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया मैंने लिख भी दिया है, तो फोर्स अगर हम निकालना चाहें तो स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये इधर चला गया, तो फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा। तो स्ट्रेस की जगह हम क्या पुट करेंगे, एरिया की जगह क्या पुट करेंगे, तो एरिया की जगह ये पुट करेंगे, स्ट्रेस हमने निकाल रखा तो ये दोनों पुट करेंगे, शेयरिंग फोर्स ऑन दिस एरिया इज इक्वल टू होगा फोर्स ईटा जो यहाँ से है इंटू और ये थीटा एक्स बाई एल यहाँ से, ये क्या हुआ, ये मेरा क्या था स्ट्रेस था, ये क्या था मेरा स्ट्रेस था, मल्टीप्लाई यहाँ देखिए डॉट दिया हुआ, और क्या था एरिया जो फेस एरिया, ये मेरा फेस एरिया हो गया, समझ गए आप। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालिए, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, जब आप कोई चीज़ को ट्विस्ट कर रहे होते हैं ना, वो जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं,
टॉर्क क्या होता है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसी को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट बोलेंगे इसी को। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कौन सा डिस्टेंस होगा, तो आप डिस्टेंस देखेंगे आप इस तरफ कि ये जो हम यहाँ ट्विस्टिंग कपल अप्लाई कर रहे थे, तो ये फोर्स हम नीचे से लगा रहे थे, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा मेरा रेडियस होगा। तो इसी डिस्टेंस पे, आखिर रेडियस है लेकिन इसका यूनिट तो क्या लेंथ होता है ना, यूनिट क्या था, मीटर सेंटीमीटर होता है, तो लेंथ ही तो है, तो वही लेंथ यहाँ पर यूज होगा। तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स जो हमने यहाँ से निकाल रखा 2π eta θ l और एक्स, और एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, और ये dx का dx परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रेडियस था वो एक्स लिख दिया हमने। सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू 2π eta θ l एक्स क्यू डी एक्स, एक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ तक आपका एक्सप्रेशन आया। हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग यहाँ कि अब ट्विस्टिंग कपल निकालेंगे पर यूनिट या फिर होल के लिए। तो ट्विस्टिंग कपल फॉर द होल सिलेंडर इज गिवन बाय, होल सिलेंडर मतलब हम लोग तो वो एक सेल के लिए लिए थे जिसका डिस्टेंस सेंटर से एक्स था, लेकिन अब पूरे सिलेंडर का लेना है। जिसका पूरा सिलेंडर लेंगे तो उसका डिस्टेंस मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हम लोग ट्विस्टिंग कपल निकालेंगे टी इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू आर, मतलब सारे सेल का निकालेंगे, मतलब पूरा होल सिलेंडर का हो जाएगा। 2π eta θ l एक्स क्यू डी एक्स जो हमने पहले निकाला था उसको इंटीग्रेट कर दिए, लिमिट लगा दिए x बराबर जीरो या टू एक्स बराबर आर। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल निकल के आएगा 2π eta θ l, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर निकल गया, इसका इंटीग्रेशन होगा x का पावर 4π/4 और लिमिट पुट हो जाएगा, तो ये जीरो से आर हो जाएगा। जब लिमिट पुट करेंगे तो आर पहले पुट होगा, जीरो बाद में, तो जब जीरो होगा तो जीरो को पुट करोगे तो जीरो ही आएगा, तो हमने सिर्फ आर 4/4 ही रखा है। अब ये टू का टेबल में ये टू वन जा टू जा कट जाएगा, तब कट जाएगा तो ये टू इससे मल्टीप्लाई तो टू एल हो गया, यहाँ टू रहा है नहीं तो पाई डा ठीटा हो गया, ये आर फोर की जगह आर फोर। ये आपका ट्विस्टिंग ऑफ अ होल सिलेंडर का निकल गया ट्विस्टिंग कपल। अब आपको कभी कभी पूछता है सवालों में कि आप ओरिजिनल रिजिडिटी भी निकाल के बताइए। तो ओरिजिनल रिजिडिटी क्या होता है, तो कपल पर यूनिट ट्विस्ट इसी को बोलते हैं, मतलब एक यूनिट मतलब एक ही रेडियन एंगल के लिए अगर हमको ट्विस्ट करना है तो क्या वैल्यू होगा, और उस वैल्यू एक स्पेशल है इसलिए उसका नाम है ओरिजिनल रिजिडिटी। देखिए हम छोटा सा डिफिनेशन भी आप लोग के लिए लिखे हुए, लिखा हुआ है कि द कपल नेसेसरी टू यूज अ ट्विस्ट ऑफ वन रेडियन इज कॉल्ड द ओरिजिनल रिजिडिटी और कपल पर यूनिट ट्विस्ट, दैट इज द थीटा इज इक्वल टू वन रेडियन, या वन रेडियन होगा। तो आप थीटा के जगह पे वन रख देंगे तो अब जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा ओरिजिनल रिजिडिटी। तो यहाँ पर देखेंगे ये मैंने नीचे लिखा है कि कपल पर यूनिट ट्विस्ट या फिर ओरिजिनल रिजिडिटी बातें की है, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करना होता है। तो आप देखेंगे जो थीटा का वैल्यू था, थीटा, तो ये थीटा का वैल्यू हम वन रख देंगे तो क्या बचेगा, पाई ईटा, देखिए पाई ईटा ही है, बाय टू एल आर फोर की जगह आर फोर, बस थीटा की जगह वन हो जाना है। जब ऐसा हो जाएगा तो उस कंडीशन में कह लेंगे ओरिजिनल रिजिडिटी। आज का टॉपिक यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक आप फिर से देंगे हम आपको। थैंक यू।